फोर का ए और बी हो चुका था, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था, क्वेश्चन टू इसका हमारा रह गया था। आज करते हैं इसका, आई होप आप लोगों ने सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, और होमवर्क करना आपको टाइम पे जरूरी है। अगर होमवर्क करके आप साइन करेंगे तो क्या होगा, आपके अटेंडेंस लगेगी और अटेंडेंस आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको डेली होमवर्क करके भेजना है। क्या करना है, अरेंज इन कॉलम एंड सबट्रैक्ट। पहले हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, सबट्रैक्ट में हमें दिया हुआ था, सिर्फ हमने सबट्रैक्ट किया हुआ था, वो कॉलम में दिया हुआ था और सबट्रैक्ट किया था, बट अब क्या करना है हमें कॉलम में अरेंज करके फिर सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। कितने डिजिट है, वंस और टेंस, वंस टेंस, इसलिए इसको हम ऐसे करेंगे, और जो बड़ा जो बड़ी डिजिट है उसको ऊपर लिखी गिनती को, उसके बाद राइट हैंड से राइट हैंड पे, और इस तरीके से हमें, ठीक है। राइट हैंड पे क्या है, सेवन, लेफ्ट पे फाइव, इधर राइट पे क्या है, थ्री, और इधर लेफ्ट पे टू, ठीक है। इस तरीके से हमें फिट कर, और जो डिजिट बड़ी है उसको पहले हमें ऊपर लिखना है, 57 बड़ा है 23, 57 बड़ा है, ठीक है। सबट्रैक्ट हमेशा बड़ी गिनती से ही किया जाता है। अभी क्या, सेवन में से थ्री माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फोर, फाइव में से टू माइनस करेंगे थ्री, सबट्रैक्शन हमें आता है, हम कर चुके हैं पिछली बार, ठीक है। और आई होप आपको समझ में भी आ गया हो, तो इतना जाने की जरूरत नहीं है। सेवन में से थ्री माइनस करेंगे, अगर फिर भी भूल गए तो एक बार और बता देती हूँ। चलो, सेवन लाइन ऊपर जो भी डिजिट है उतनी लाइन करनी है हमें, और नीचे जो है उतनी लाइन कट कर देंगे टोटल लाइन में से। टोटल नंबर तुम्हारे पास क्या है, सेवन, और उसमें से क्या सबट्रैक्ट करना है, थ्री, थ्री हमने हटा दिया तो कितनी लाइन बची, फोर। इसी तरीके से टोटल नंबर क्या है हमारे पास, फाइव, और कितना सबट्रैक्ट करना है, टू, तो फाइव में से टू माइनस करेंगे तो हमारा आ गया थ्री। एक और एग्जाम्पल लीजिए, मैं समझा देती हूँ आपको, बी 68 माइनस 25। अब इसमें से क्या करना है, पहले मैं 25 लिखूं या 68, कंफ्यूजन है। इसमें से जो बड़ी डिजिट है उसे हमें पहले लिखना है, ठीक है। तो 25 और 68 में बड़ा हुआ है 68, तो 68 राइट हैंड पे कौन सा है हमारा, वंस की प्लेस पे एट, टेंस पे सिक्स, वंस पे इधर क्या है फाइव, टेंस पे टू, क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। टोटल नंबर हमारा क्या है वंस पे एट, क्या सबट्रैक्ट करना है फाइव, एट में से फाइव सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या है हमारा थ्री। यहाँ टोटल क्या है सिक्स, कितना सबट्रैक्ट करना है टू, माइनस करेंगे सिक्स में से टू माइनस किया, ये हमारे पास सिक्स है, सिक्स में से हमने टू माइनस किया तो कितने बचेंगे हमारे पास फोर, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉलम में अरेंज करने के बाद इसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसका होमवर्क मैं लिख देती हूँ, होमवर्क में है आपके क्वेश्चन सी, ई और एफ, और जो मैंने करवाया इसे भी करना है कॉपी, ठीक है। ए बी और सी ई एफ आपको ये फाइव क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट करना है, आपका होमवर्क है। आगे करते हैं एक्सरसाइज फोर के सी पे आते हैं। एक्सरसाइज फोर का सी क्वेश्चन क्या है, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें भी क्या करना है हमें सबट्रैक्ट ही करना है, कुछ नया नहीं करना, ठीक है। ए क्वेश्चन लेते हैं, इसको क्या है हमें कॉलम में अरेंज नहीं करना, कॉलम में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो नए सर्कल्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, क्या करना है इसमें देखते हैं हम, एट थ्री फोर नाइन, जैसा मैंने बताया था बड़ी डिजिट ऊपर 83 और बड़ा छोटा नंबर नीचे 49। अब हमें क्या करना है सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसमें से इसको हमें कंपलसरी सबट्रैक्ट करना ही करना है, ठीक है। बट यहाँ तो हमारे पास 3 है और हम 9 तो कर ही नहीं सकते सबट्रैक्ट, कर सकते हैं 9 नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, बट हमें करना है जरूरी है सबट्रैक्ट करना, तो क्या करेंगे हम 8 से 1 कैरी ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम 8 से 1 के लिए लेंगे, तो 8 क्या हो जाएगा, वो तो खुद तो 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा, ठीक है। हम जब अपने साथ वाले से एक कैरी उधार लेंगे तो क्या हो
19 होगा और ये क्या हो जाएगा इसके पास फिर 7। जब हमारे पास कुछ होता है और हम किसी को दे देते हैं तो वो चीज हमारे पास कम हो जाती है, तो हमारे पास कितना था टोटल नंबर 8। 8 में से अगर हमने इसको 1 दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा 7। तो यहाँ आपको सर्कल के ऊपर 7 लिख लेना और नीचे ये 13 हो गया। अब 13 में से तो इजिली हम 9 को सेपरेट कर सकते हैं ना, तो आपको टोटल लाइन 13 करनी है, उसमें से 9 को लाइन 9 कितनी लाइन से कट करनी है आपको 9। तो 13 में से 9 कट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे हमारा क्या नंबर था 8 या 7? 7। क्या नंबर था हमारा यहाँ पर 7। 7 में से क्या सबट्रैक्ट करना है हमारा 4। इस तरीके से आपको ये सबट्रैक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, 4 42 में से कितना सबट्रैक्ट करना है हमें 9 करना है, तो 2 में से तो 9 हम दे नहीं सकते, 2 में से 9 सबट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। सेम चीज सिचुएशन है ये, जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था वैसे हमारे इसमें भी है सेम सिचुएशन। क्या करेंगे हम अपने साथ वाले से कैरी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 और इससे हमने कैरी लिया तो क्या हो जाएगा हमारा 3। 4 था, 4 में 6 से हमने क्या किया इसको 2 को 1 कैरी दे, 12 में से फिर हम 9 सबट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो 12 सबट्रैक्ट 12 में से हम 9 लाइन को कट करेंगे तो कितनी बचेगी हमारे पास 3। और ये क्या है हमारे पास 3। 3 के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ सबट्रैक्ट करना ही है, तो 3 नंबर हमारे पास है डिजिट, तो हमारा क्या होगा वो 3 का 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, मींस हमारा क्या आएगा आंसर 33। ठीक है, इसके आपको सी डी ई सभी कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। छोटी इंटीग्रल में से बड़े को हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे उसके लिए हम अपने साथ वाले से वन कैरी उधार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, और जब इससे हमने एक ले लिया तो ये क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ऊपर हमें 17 में लिख लेना है इसको। ठीक है, इस तरीके से फिर उसको सबट्रैक्ट करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, ये मैं इधर करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर का डी हमने कर लिया सी ए रहा और फोर का डी, ये हमारा सबट्रैक्शन ही है। अब इसमें क्या करना है देखते हैं, फाइंड डी डिफरेंस एंड चेक योर आंसर्स यूजिंग एडिशन। हाँ, क्या करना है हमें डिफरेंस चेक करना है, किससे आंसर हमने जो सब्ट्रैक्ट किया है उसका आंसर कैसे चेक करना है हमें एडिशन के जरिए। इस तरीके से करते हैं, ये भी हम क्लास सीखते हैं। 4927 ये हमारा सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, और इसको हम चेक कैसे करेंगे वो मैं भी बता दूं। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया पता है, ठीक है, अब उसको हम चेक करने का भी बोलेंगे, चेक कर लेते हमने सही किया या नहीं किया। तो क्या करेंगे, 9 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 7 कट किया तो कितना बचा हमारे पास 2। यहाँ क्या है 4 में से 2 तो माइनस हो सकता है, तो हम 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 22। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि 22 हमारा आंसर आया वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो क्या करना है हमें, 22 और 22 यहाँ लिखना है और ये वाला जो नीचे वाला है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और इसको हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, एरो दिख रहा है 22 और 27। 22 क्या था हमारा आंसर आया था और 27 क्या है हमारा जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, तो टोटल नंबर हमारे पास क्या थे मींस 49। तो हमने इन दोनों को किया तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, टोटल नंबर निकल कर आना चाहिए। तो करके देखते हैं, 7 8 9 2
मीन्स हमने सब्ट्रैक्शन करेक्ट किया है। क्या करना है, पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फिर कौन सी लाइन, ये देखो मैंने एरो बनाई है, इसको ऊपर लिखना है 22 को और 27 को, आप याद कर सकते हैं 27 को 22, ठीक है, और टोटल ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, जिस नंबर में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, टोटल नंबर मीन्स टोटल नंबर हमारे पास क्या था, 49, ठीक है। एक और करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया, इसी का बी क्वेश्चन लेते हैं। हमारा टोटल नंबर क्या है, 75, क्या है 75, 75 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 48, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 48। तो ये देखो 5 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अभी हमने सीखा था, फिर क्या करते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट तो करना ही करना है कंपलसरी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, चलेगा, क्या करेंगे, हम इसे 1 कैरी उधार ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 6, 7 जो हमारा क्या बचेगा 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा 15, 15 में से तो 8 माइनस कर सकते हैं ना, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा 7। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 7 तो था लेकिन हमने क्या किया था, इसको 1 दे दिया था, तो यहाँ पर क्या बचा था हमारा 6, क्या है 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, हमने करेक्ट किया है या नॉट, इधर प्रूव करना है, इससे चेक करना है, हमें ऐड करके चेक करना है, ठीक है, लिखते हैं 27, 48, वंस की प्लेस पे देखो, वंस की डिजिट आनी चाहिए 7 और 8, टेंस में क्या है 4 और 2, ये रहा, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, 7 और 8 कितने हो गए, अब क्या करना है हमें ऐड करना है, क्या नंबर लाना है हमें, टोटल, टोटल नंबर क्या था हमारे पास 75, 7 और 8 कितने होते हैं 15, तो 5 1 कैरी लगाना है, 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 75 आंसर आ गया, मीन्स हमने ये सब्ट्रैक्शन करेक्ट किया है, ठीक है। होमवर्क है इसका, आपको सारे ही करने हैं इसमें, सी डी ई और एफ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे, आई होप आज की क्लास आपके और आपके सारे डाउट आज के क्लियर हो गए हैं और आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो, सब्ट्रैक्शन और किस तरीके से हम इसको एडिशन के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं, ओके। और ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, जो मैं बोर्ड पे करवाती हूँ उसे भी करना है और जो मैं होमवर्क में देती हूँ वो भी करना है, ओके। अपना ख्याल रखना है, बाय, टेक केयर, थैंक यू।